नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड और बीएड एमएड एकीकृत यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीएलएड तथा बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम 2022-23 का प्रवेश प्रक्रिया के समय सारणी इन्होंने जारी कर दी गई है। तो आप देखते हैं ये समय सारणी क्या कह रही, किस किस टाइम पे आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है। यानी कि सरल शब्दों में कहें, जो विद्यार्थी बीए बीएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन कर दे, आवेदन कर दे और एडमिशन प्रोसेस में शामिल हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। 12 तारीख को इन्होंने 12 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आपको 17/5/2022 मंगलवार से 21/5/2022 तक आवेदकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना और संस्थाओं का चयन करना, ठीक है। कब से? 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख लास्ट है। जिन लोगों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो वो कर दे। आप लोग इसको मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर करना है तो बता देना, कमेंट्स में बता दूंगा किस तरह फॉर्म भरते हैं। नहीं तो आप नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाके यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और निर्धारित, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते, निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा होकर दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों के द्वारा निकट हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन करना। यानी पहले निर्धारित हेल्प सेंटर के पहुँच करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सत्यापन करवाना, इसके बाद आपके नज़दीकी शहर में ही हेल्प सेंटर बने होंगे, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित यानी वेरीफाई कराना। ये डेट है आपकी 18 तारीख से लेकर 23/5/2022 तक आपको डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना। इसमें कुछ नहीं, आपको अपने हेल्प सेंटर पर जाकर जाना है, नीचे बता दूंगा किस किस डॉक्यूमेंट को लेके, तो वो उनको वेरीफाई करवाना, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चे बीपीएड या एमपीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं यानी कि फिजिकल टीचर में, तो उनको फिटनेस प्रेफरेंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी जो तिथि रहेगी वो 18 तारीख से लेकर 23/5/2022 के शाम को 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 24 तारीख को आएगा, ठीक है। 24/5/2022 को इसका जो रिजल्ट वो निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद समाकित मेरिट सूची का प्रकाशन 25/5/2022 को वो जारी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मेरिट एवं सीनियर कैटेगरी के हिसाब से मेरिट एवं वरीयता के अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन 30/5/2022 तक यानी 30 तारीख तक सोमवार के दिन तक यहाँ पर वरीयता के अनुसार सीट आवंटित हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। यानी कि जब आपको आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको जो शुल्क रहेगा उसका 50% जमा करना पड़ेगा, 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना पड़ेगा। ये तारीख रहेगी आपकी 3/6/2022 तक, ठीक है, 3 जून 2022 तक, ठीक है। इसके बाद प्रवेश निरस्तीकरण, किसी बच्चे को अगर प्रवेश निरस्तीकरण कराना, अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, तो 30/5/2022 के सोमवार से लेकर 4/6/2022 तक अपना कैंसिल करा सकता है, ठीक है। प्रथम चरण पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता, ठीक है। प्रथम चरण की काउंसलिंग होने के बाद आप महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता का भी पता कर सकते हैं। ये कब तक पता चल जाएगा आपको? 6/6/2022 तक, ठीक है। ये प्रथम चरण की काउंसलिंग का एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब अगर आपको किसी को प्रथम चरण में एडमिशन नहीं मिलता है उस स्कूल में, उस महाविद्यालय में, तो अब आपको द्वितीय चरण में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होगी, तो नवीन पंजीयन, ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके थे, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों में प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन नहीं किया था, तो वो द्वितीय चरण में आवेदन कर सकेंगे, लेकिन जो उनकी एडमिशन प्रक्रिया रहेगी तो वो गुणानुक्रम के अनुसार रहेगी, ठीक है। और दूसरे क्या है, द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीयन
अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों को पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन वरीयता से प्राप्त होगा, उनको दोबारा से उनका चयन वरीयता यानी कैटेगरी सीनियरिटी के मुताबिक से होगा। ठीक है, ये जो डेट रहेगी वो 26/5/2022 गुरुवार से लेकर 1 जून 2022 बुधवार तक की रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो निर्धारित हेल्थ सेंटर होंगे वहाँ पर अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापन करना है, ठीक है, और फिर आवेदकों को निकट हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर उनको सत्यापन करना है, यानी ऑनलाइन भी सत्यापित करना और फिर ऑफलाइन भी सत्यापित करना है। ये द्वितीय चरण वाले की डेट कब तक रहेगी? 17/5/2022 शुक्रवार से लेकर 3 जून 2022 शुक्रवार तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो नवीन पंजीकृत आवेदक है, जो नए पंजीकृत आवेदक रहेंगे, तो वो BPED एवं MPED पाठ्यक्रम हेतु क्रमश फिटनेस प्रिफ्रेंसी टेस्ट निर्धारित हेल्थ सेंटर से, यानी कि जो BED फिजिकल BED करना चाहते हैं तो BPED या MPED, तो उनका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो 17/5/2022 से लेकर 3 जून 2022 के शाम को 5 बजे तक होगा। ये कौन सा? द्वितीय चरण वाला। ठीक है, फिर इनके द्वारा हेल्प सेंटर द्वारा फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंकों का प्रविष्टि, यानी कि इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 4/6/2022 तक आ जाएगा। इनकी प्रविष्टि इनको 4/6/2022 शनिवार तक करवाना होगा। फिर इनकी समाकृत मेरिट सूची का प्रकाशन, इनकी मेरिट सूची का प्रकाशन जो होगा वो 6/6/2022 सोमवार को, और फिर मेरिट एवं वरीयता के अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन 11 जून 2022 शनिवार तक हो जाएगा इनका। ठीक है, आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% वही जो पहले मैंने बताया था, तो 50% ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब से कब तक? 11/6/2022 शनिवार से लेकर 16/6/2022 गुरुवार तक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी में द्वितीय चरण वाले को भी अगर प्रवेश निरस्तीकरण कराना यानी एडमिशन कैंसिल कराना होगा, तो वो लोग 11/6/2022 सोमवार से लेकर 17/6/2022 शुक्रवार तक कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता 18/6/2022 तक आपको पता चल जाएगी, शाम के 6 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये द्वितीय चरण की बात हो गई, अब तृतीय चरण में देखते हैं। तृतीय चरण में वही प्रोसेस है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नवीन पंजीयन ऐसे आवेदक जो पूर्व में पंजीयन नहीं करा सके, यानी वही वाली बात है, जो पहले पंजीयन नहीं करा पाए तो वो तीसरे चरण में आवेदन कर पाएंगे, पंजीयन करवा पाएंगे, लेकिन उनका जो सिलेक्शन होगा गुणानुक्रम के अनुसार वो पात्र होंगे। ठीक है, ये जो प्रक्रिया रहेगी 7 जून 2022 मंगलवार से लेकर 13 जून 2022 सोमवार तक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों को पुनः शिक्षण संस्थाओं का चयन वरीयता के प्राप्त होगा। ठीक है, फिर निर्धारित हेल्प सेंटरों द्वारा होकर दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापन करवाना है। फिर इसके बाद में आप अपने दस्तावेजों को आवेदकों के निकट हेल्प सेंटर में जाकर वहां पर भी सत्यापित करना है। ये जो प्रक्रिया रहेगी 10/6/2022 से लेकर 15/6/2022 बुधवार तक। ठीक है, नवीन पंजीकृत आवेदकों को यानी जो फिजिकल बीएड करना चाहते हैं और या एमएड करना चाहते हैं, तो उनको फिटनेस प्रिफ्रेंसी टेस्ट देना पड़ेगा तृतीय चरण वालों को। ये जो डेट रहेगी 10 जून 2022 शुक्रवार से लेकर 15 जून 2022 बुधवार के शाम के 5 बजे तक। हेल्प सेंटर द्वारा फिटनेस प्रिफ्रेंसी टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि 16 जून 2022 गुरुवार को कर दी जाएगी, और समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन आपका 17/6/2022 शुक्रवार को हो जाएगा। मेरिट एवं वरीयता के अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन 22/6/2022 बुधवार तक हो जाएगी, और आवेदक 22/6/2022 बुधवार तक हो जाएगी, और आवेदक प्रवेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 22 तारीख से 25 तारीख तक के बीच में उनको करना होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप लोग जो भी बीए बीएड करना चाहते हैं तो इन तिथियों के अनुसार अपनी आवेदन प्रक्रिया कर लें और काउंसलिंग करा लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो आप डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें मैं कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स का नाम बता देता हूँ, मैं दूसरे वीडियो में इसकी लिस्ट भी लेके आऊँगा।
जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बीएड में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स, फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। अगर इसके अलावा अदर स्टेट के लोग भी है और अगर वो कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं, अन्यथा वो उसमें जनरल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को फ्रेंड कैसे लगी और अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और उनको अवेयर कीजिए जो भी बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।